स्तिफनुस और फिलिपुस। पहले मसीही अगुआ नाउन के बीच में स्तिफनुस नाम को एक मानुष होतीस। सब लोग ओको आदर करत होतीन। पवित्र आत्मा ने ओको बहुत सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे होतीस। स्तिफनुस ने बहुत सारे चमत्कार करे होतीस। जब उन्हें यीशु पे भरोसा करण के बारे में उनको शिक्षा देईस तो बहुत सारे लोग ना उन्ने ओके पे विश्वास करीन। एक दिन स्तिफनुस यीशु के बारे में शिक्षा देत होतीस और कई ऐसे यहूदी आईन जिनने यीशु पे विश्वास नहीं करे होतीन और ओके संग वाद विवाद करनो शुरू कर देन। ही बहुत गुस्सा हो गईन। एके गुना ही धार्मिक अगुआ नाउन के जवर गईन और उनके बारे में झूठ बोलीन। उनने कहीन, हमने स्तिफनुस को मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बात बोलते सुने नहन। एके गुना धार्मिक अगुआ नाउन ने स्तिफनुस को बंदी बना लेन और ओको महायाजक और यहूदी लोग नाउन के अन्य अगुआ के सामूर लेके आईन और भी झूठे गवाह आईन और हुन्ने स्तिफनुस के बारे में झूठ बोलीन। महायाजक ने स्तिफनुस से पूछिस, का ही लोग तोरे बारे में सच कह रही न है। स्तिफनुस ने महायाजक को जवाब देन के गुना बहुत सारी बात ना उनको बोलनो शुरू कर दी। उन्हें कहिस कि अब्राहम के समय से यीशु के समय तक परमेश्वर ने इसराइल के लोग ना उनके गुना बहुत से अनोखे काम करे होतीस, मगर लोग ना उनने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने होतीन। स्तिफनुस ने कहिस, तुम लोग परमेश्वर के खिलाफ हटीले और विद्रोह करण वाले हाओ। तुमने हमेशा पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करे हो, जसो कि हमारे पूर्वज नाउन ने हमेशा पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करे होतीन और हमेशा ओके भविष्यवक्ता नाउन को मार डाले होतीन। मगर जो हुन्ने करे होतीन ओ की तुलना में तुमने और भी बुरो करे हाओ। तुमने मसीह को मार डाले हो। जब ही धार्मिक अगुआ नाउन ने यो सुनीन तो ही बहुत गुस्सा भय गईन कि हुन्ने अपने कान को बंद कर लेन और ऊंची आवाज में चिल्लाइन। ही स्तिफनुस को घसीट के नगर से बाहर लेके गईन और ओको मार डालन के गुना ओको गोटा मारीन। जब स्तिफनुस मरण पे होतीस हु पुकार उठीस, हे यीशु मोरी आत्मा को ग्रहण कर। तब हु अपने टोंगरा पे गिड़ पड़ीस और दोबारा से चिल्लाइस, हे प्रभु यो पाप उनके ऊपर मत लगा। तब हु मर गईस। वह दिन यरूशलेम में रहन वाले बहुत सारे लोग नाउन ने यीशु को मानन वाले लोग नाउन को सतानो शुरू कर दें। एके गुना विश्वासी लोग कई जगह में भग गईन, पर एके बावजूद भी जहां कहीं पे भी ही गईन हुन्ने यीशु के बारे में प्रचार करीन। फिलिप्पुस नाम को यीशु को एक विश्वासी होतीस, जसो कि कई बहुत सारे विश्वासी लोग नाउन ने करे होतीन हु भी यरूशलेम से भग गईस। हु सामरिया के क्षेत्र में चलो गईस। वहां उन्हें लोग नाउन को यीशु के बारे में प्रचार करीस। बहुत सारे लोग नाउन ने ओके पे विश्वास करीन और उद्धार पाइन। एक दिन फिलिप्पुस के जवर परमेश्वर के किना से एक स्वर्गदूत आईस और ओको जंगल में जान के गुना और एक रास्ता पे चलन के गुना कहिस। तो फिलिप्पुस वहां चलो गईस। जब हु वह रास्ता से चलत होतीस तो उन्हें एक मानुष को अपने रथ में जाते हुए देखिस। यो मानुष कुश देश को एक महत्वपूर्ण अधिकारी होतीस। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहिस कि जाय के हु मानुष के संग संग चल। एके गुना फिलिप्पुस रथ के जवर गईस। उन्हें सुनिस कि हु कुशी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहीस है जो यशाया भविष्यवक्ता ने लिखे होतीस। हु ओको पढ़त होतीस। हु पढ़त होतीस कि ही ओको वध करे जान वाले मेंढा के समान ले जाए और जसो एक मेमना
शांत रहते उन्हें भी एक शब्द नहीं कहिस। हुन्ने ओके संग बुरो व्यवहार करिन और ओको आदर नहीं करिन। हुन्ने ओको जीव ले लेन। तो फिलिप्पुस ने हु कुशी से पूछिस, जो तू पढ़ रहे हस का तू ओको समझतस? हु कुशी ने जवाब देस, नी, जब तक कि यो कोई मोको नी समझाए तब तक मैं एको नी समझ सकम। कृपा करके मोरे जवर आय के बैठ। यशायाह अपने बारे में लिखत होतीस की या और कोई के बारे में? फिलिप्पुस रथ पे चढ़ के बैठ गईस। तब उन्हें हु कुशी मानुस को हु बताइस जो यशायाह ने यीशु के बारे में लिखे होतीस। फिलिप्पुस ने परमेश्वर के वचन के बहुत सारे अन्य भाग को भी पढ़ के सुनाइस। या तरीका से उन्हें हु मानुस को यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाइस। फिलिप्पुस और हु कुशी चलते हुए पानी के जवर आईन। हु कुशी ने कहिस, देख यहाँ पानी है, का मैं बपतिस्मा ले सकतम? और उन्हें सारथी से रथ को रोकन के गुना कहिस। अब ही पानी में चले गईन और फिलिप्पुस ने हु कुशी को बपतिस्मा देस। जब ही पानी में से बाहर आईन तो पवित्र आत्मा अचानक फिलिप्पुस को उठा के कोई अन्य जगह को ले गईस। वहाँ फिलिप्पुस ने लोग ना उनको यीशु के बारे में बतानो चालू रखीस। हु कुशी अपने घर की यात्रा पे सामूर बढ़ गईस। हु खुश होतीस कि हु अब यीशु को जानत होतीस।